सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे RSR फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग नए हो रहे अभी तक, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डन जल्दी से ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। और भैया, मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। भाई, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों लिए अच्छी सी लोन एप्लीकेशन लेके आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, एक अच्छी सी लोन एप्लीकेशन लेके आ गया हूं। मैं एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूं, कौन सी वो एप्लीकेशन है। भाई, एप्लीकेशन नाम है क्रेजी वी। रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको यहाँ से लोन मिला है। देखिए, उसकी दूसरी कंपनी भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एवरीथिंग आप देखते रहते हो तो वीडियो आपको पता जरूर होगा कि उसकी दूसरी एप्लीकेशन भी है, जो मैंने कल बताई थी आपको, और ये पहली एप्लीकेशन है। भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, कंपनी की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये तक की है। मतलब ये है कि मैक्सिमम लोन 50,000 का, और मिनिमम लोन कितने का, 2 का मिलेगा। जी हाँ, 2,000 का उसमें मिलेगा, 2,000 का इसमें मिलेगा, और 1 मिनट के अंदर अप्रूवल मिलने वाली है। इसमें कोई भी टाइम नहीं लगने वाला। देखिए, प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। यहाँ 4 स्टेप है जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ऑथेंटिकेशन, उसके बाद फेस की ऑथेंटिकेशन, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद बैंक कार्ड जिसमें आप लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हो। कहीं आपने देखा होगा फिजिकली जो चलता रहता है 7 दिन की एप्लीकेशन में, इसमें और उसमें डिफरेंस इतना है कि भाई वो अंडर रिव्यू जाती है, लेकिन यहाँ पर 10 से 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, आपको यहाँ तुरंत बता दिया जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को और मिलती है आप लोगों को, करंट क्रेडिट अमाउंट और यहाँ करंट ब्राउजर अमाउंट। अब इन दोनों में क्या अंतर है, फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है करंट क्रेडिट अमाउंट, ये आपका लोन अमाउंट होगा, ठीक है। और नीचे वाला जो लिखा हुआ है करंट ब्राउजर अमाउंट, और ये आपको उतना पे करना होगा। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपने 3,000 का लोन लिया, आपने रीपेमेंट कर दी, फिर आपकी 6,000 रुपये की जो है लिमिट बढ़ गई। उसके बाद आपने फिर 6,000 का लोन लिया, फिर आपकी लिमिट बढ़ गई, तो इसको ब्राउज़र में ही जोड़ा जाएगा, ना कि आपको करंट में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ ब्राउजिंग जो रीपेमेंट का एक ऑप्शन शो हो रहा है आप लोगों को, ये ब्राउजिंग का अलग बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट दिखेगा, और यहाँ पर ब्राउजिंग में कितना आप यूज़ कर चुके हैं वो दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, ट्राई ज़रूर करना। काफ़ी लोगों को लोन जो है यहाँ से मिला भी है, और काफ़ी लोग दे भी रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्यों पीछे हटो, फटाफट लीजिए लोन।